अभी नाश्ते में है स्प्राउट्स। गुड मॉर्निंग, अभी बज रहा है 9 और इसका टेम्परेचर हो रहा है 32 डिग्रीज, बट इट फील्स लाइक इट्स 38 डिग्रीज। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, और उसके बाद लाइट भी नहीं आ रही है। लाइट हैज़ बीन वेरी इनकंसिस्टेंट सिंस जब से गर्मी बढ़ गई है अचानक से। चलिए शुरू करते हैं व्लॉग, और आज आपको दिखाते हैं अनबॉक्सिंग एक बहुत ही छोटे से ट्राईपॉड के। ये मैनफ्रेटो का मिनी ट्राईपॉड जो मैंने मंगाया अमेजोन से। अभी इसको खोल के देखते हैं, क्योंकि जब ये आया था तो इसका ये जो बॉक्स है, ये डब्बा ऐसे टूटा हुआ था, बट अंदर तो ठीक सॉलिड लग रहा है। तो इसको अभी हम लोग खोल के देखते हैं। ये बुकलेट है इसके साथ में, जिसमें उन्होंने अपने बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है, और इस मिनी ट्राईपॉड को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। चलिए अभी हम लोग निकालते हैं इसको। तो जो पहला फील आया है मेरे हाथों में इसके आते ही, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजबूत सा लग रहा है फिलहाल देखने में। इसमें एक ये बटन है, यहाँ पर एक ये बटन दे रखी है जिसको हम पुश करते हैं, उसके बाद हम इसको, इसके बॉल हेड को 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा स्टिफ समझ में आता है जब हम इसको पुश करते हैं और इसको रोटेट करना है, बट अच्छी बात यह है कि अगर ये हार्ड नहीं होगा, लूज़ होगा, तो अगर इस पर जब कैमरा रखेंगे तो कैमरा जो है बार बार डिसबैलेंस होगा। जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है, पाम्स पे रखे तो लगभग ये मेरी हथेली इतना बड़ा है, अपने पाम के बराबर उतना ही बड़ा ये है। बट इसको पकड़ना काफ़ी इजी है, इसको आप काफ़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। आप जब हम ट्राईपॉड को इस तरीके से पकड़ते हैं तो ट्राईपॉड काफ़ी हेवी भी हो जाता है, और इसको एडजस्ट करना अपने हाथ के हिसाब से उतना आसान नहीं होता है। तो ट्राईपॉड, क्योंकि ट्राईपॉड बना ही इसलिए था कि वो एक जगह पर स्टेबल होके रखा रहे और हम अपने बाकी के काम करते रहें। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा, मुझे काफ़ी ज़रूरत थी ऐसे एक हैंडी स्मॉल ट्राईपॉड की, जिसको मैं अपने बैग में किसी भी तरीके से रख करके और ट्रैवल कर सकूं। इसके जो लेग्स हैं इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, छोटा सा है, और जो इसका मटेरियल है, आई वॉज वरीड अबाउट इट्स मटेरियल कि हम इसको, क्योंकि कई बार जब हम लोग ट्रैवल करते हैं इसको बैग में, एयर बैग में, पीठ के बैग में डाल करके इसको ट्रैवल करना होता है, करना पड़ जाता है कई बार, तो उस केस में हम चीज़ें हमारी कई बार टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। बेस्ट है कि हम किसी छोटी चीज़ को जो कि काफ़ी स्टर्डी, ड्यूरेबल, चीप एंड बेस्ट हो, ऐसी चीज़ों को लिया जाए तो हमारा सारे काम जो है आसानी से होते हैं। इसको यूज़ करते हैं, इसके आगे के रिव्यूज़ आपको बताएंगे, जैसा भी होगा अगला वीडियो अब मैनफ्रेटो ट्राईपॉड के साथ में करेंगे। ये DSLR इसके ऊपर फिट हो चुका है, और ये काफ़ी आराम से इस पर रखा हुआ है, गिरने का कोई चांस ऐसा लगता नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा इसको हिलाते डुलाते हैं तो शायद थोड़ा बहुत गिर जाए, बट इसका तरीका ये है कि हम इसके लेग की तरफ इसका, अगर हम इसको रखते हैं तो इसका गिरने के, लेंस की साइड गिरने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। हमारा ट्राईपॉड तैयार। मेरे हाथ में जो ट्राईपॉड है वो बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो गया है, स्टेबल है। अगर हम इसकी फुटेज देखें दूर से एक हाथ से, तो इसकी फुटेज भी बहुत अच्छी, बहुत क्लियर है, एंड इट्स वेरी इजी। जो भी भारी है वो सिर्फ हमारे कैमरे का वेट है, सिर्फ और सिर्फ मेरे कैमरे का वेट है, और उसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा वेट नहीं है। जब हम ट्राईपॉड पे इसको लगा कर हाथ में ले करके जब मैं आपसे बात करता था, सच में ऐसा लगता था कि बहुत भारी है और इसको अब रख देना चाहिए। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मुझे महसूस हुआ ये। सो फुल मार्क्स टू मैनफ्रेटो ट्राईपॉड। तो इसको यूज़ करना, इसको हैंडल करना, खैर एक दिन में हो जाएगा, एक दिन में इट विल बी वेरी इजी, इट विल बी वेरी हैंडी टू यूज। हेलो आप नहीं घूमेंगे, देखो
हैप्पी सैटरडे, एंजॉय योर वीकेंड, लव यू गाइज़।